हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज ग्रुप। यू विल सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप इन डिस्क्रिप्शन बिलो बाय क्लिकिंग द लिंक। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज ग्रुप में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपको हमारे अपलोड करने से पहले आपको पहुंच जाए और अपलोड कर जैसे ही हम आपको लाइव आए उस टाइम आपको पता चल जाए। तो उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपका आप टू यानी आई से रिलेटेड और जनरल चीज़ों से रिलेटेड आपका उसमें स्टडी करते हैं। नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की हमारी टॉपिक है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स ऑफ आई, यानी कि आई में जो फिजियोलॉजी होती है आई ऑप्टिक्स ऑफ आई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए नोट करते हैं। द ह्यूमन आई गॉट फोर रिफ्रैक्शन सरफेस सिक्रेटेड बाई मीडिया इन द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसमें क्या बताया रहा है, द ह्यूमन आई गॉट फोर रिफ्रैक्शन सरफेस, यानी ह्यूमन आई में कितने रिफ्रैक्शन सरफेस होते हैं, चार रिफ्रैक्शन सरफेस होते हैं, जिसे हम कैसे किसके द्वारा करते हैं, बाय मीडिया इन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मीडिया के द्वारा जिसके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। देखिए इसमें दिस मीडिया आर सब्सटेंस ऑफ, यानी ये मीडिया कौन से होते हैं उसके बारे में देख लीजिए, नोट करिए पहले। सबसे पहले दिस मीडिया आर सब्सटेंस ऑफ कार्निया, एक्वस, ह्यूमर, सब्सटेंस ऑफ द लेंस, विट्रियस, दैट इज द फोर रिफ्रैक्शन सरफेस, इज एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, दीज कॉन्स्टिट्यूट ए होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंसेज विच कम्बाइंड इन एक्शन फॉर मेनी वेरी स्ट्रिंग रिफ्रैक्शन सिस्टम ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। यानी इसमें देखिए दिस मीडिया आर सब्सटेंस ऑफ कार्निया, यानी ये मीडिया आपका कौन कौन सा होता है, कार्निया होता है, एक्वस्यूमर होता है, आपका लेंस होता है और विट्रियस होता है, यानी चार होते हैं आपके, एक्वस्यूमर, लेंस, आपका कार्निया, विट्रियस, यानी चार होते हैं, चारों के बारे में होता है। देखिए इसमें रिफ्रैक्शन जो करते हैं सरफेस कौन से चार होते हैं, चार सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ये आपके चार हैं। आगे देखिए दीज कॉन्स्टिट्यूट ए होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस, यानी ये किस तरह से होते हैं, किस तरह से बने होते हैं, एक होमोसेंट्रिक सिस्टम, यानी इसके पहले हमने अगले वीडियो में बताया था होमोसेंट्रिक सिस्टम क्या होता है, आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। होमोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ लेंस की तरह होता है, विच कम्बाइंड इन एक्शन फॉर मेनी वेरी स्ट्रिंग रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है जो कम्बाइन होते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिफ्रैक्शन होता है आप शॉर्ट फोकल लेंथ, यानी बहुत ही शॉर्ट फोकल लेंथ में बहुत बढ़िया रिफ्रैक्शन होता है, जो कि एक होमोसेंट्रिक सिस्टम के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, उसमें नेक्स्ट लाइन से नोट करिए, इट द लाइट रे पासिंग थ्रू आई, यदि आपकी लाइट जो है, देखिए पहले नोट कर लीजिए आप लोग, इफ़ द लाइट रे पासिंग थ्रू आई, सम रे लाइट रिफ्रैक्टेड एंड सम रिफ्लेक्टेड विच मे बी रिक्वायरली एंड इरेगुलरली रिफ्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इमेज इज फॉर्म ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस इमेज इज नोन एज पुरकेंजे सैमसन इमेज देयरफॉर इन नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ द लाइट रे पासिंग थ्रू द आई, यानी आपका लाइट जो पास करता है आई के थ्रू, तो आपका क्या होता है, देखिए सम रे लाइट रिफ्रैक्टेड, कुछ आपकी लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं एंड सम रिफ्लेक्टेड, और कुछ जो है क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आपको मालूम होगा, रिफ्रैक्शन मतलब जो लाइट इंटर कर जाए मीडियम में, और रिफ्लेक्ट क्या होता है, जो लाइट वापस आ जाए मीडिया से, ये होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बीच में भी रिक्वायरली एंड इरेगुलरली रिफ्रैक्टेड, इसमें क्या होता है,
ये रेगुलरली रिफ्रैक्ट होता है, यानी एक तरीके से रिफ्रैक्शन नहीं होता, ई रेगुलर रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन एंड एंड रिफ्लेक्शन इमेज इज, यानी ये किस वजह से होता है आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है इमेज का, इंटरनल ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस इज नोन एज पुर्किंजे सैमसन इमेज, यानी कि इसमें इंटरनल ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो एक सरफेस पे होते हैं इमेज के, नोन एज पुर्किंजे सैमसन इमेज, जिसे हम क्या बोलते हैं पुर्किंजे सैमसन इमेज के नाम से जानते हैं। ये चार होते हैं पुर्किंजे सैमसन इमेज, कौन कौन से होते हैं, पुर्किंजे सैमसन इमेज फर्स्ट, पुर्किंजे सैमसन इमेज सेकेंड, पुर्किंजे सैमसन इमेज थर्ड, पुर्किंजे सैमसन इमेज फोर्थ, यानी चार होते हैं आपके। इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है, चारों के बारे में चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डाल दीजिए आप पुर्किंजे सैमसन इमेज फर्स्ट, हेडिंग आपका है पुर्किंजे सैमसंग इमेज फर्स्ट। चलिए इसमें नोट करिए, इट्स फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, द इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल ब्राइट डिमिनिश्ड इनसाइड, इट कैन बी सीन इजली, इट हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ कार्निया, द मेजरमेंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया। देखिए इसमें क्या है आपका, आगे भी इसमें नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द फोर पुर्किंजे सैमसन इमेज। देखिए इसमें अब इट्स फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, किस पे रिफ्लेक्शन होता है आपका, रिफ्लेक्शन होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, यानी जो इंटीरियर सरफेस है कार्निया का उस पे होता है रिफ्रैक्शन, द इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल ब्राइट डिमिनिश्ड इन साइज, यानी इमेज कैसा होता है आपका, इरेक्ट होता है सीधा वर्चुअल आभासी ब्राइट क्लियर आपका डिमिनिश्ड इन साइज, यानी साइज में छोटा होता है, इरेक्ट होता है वर्चुअल होता है और डिमिनिश्ड यानी उसकी साइज डिमिनिश्ड यानी कि छोटी होती है, इट कैन बी सीन ईजली, इस ये जो है ईजली यानी आसानी से हम देख सकते हैं, इट कैन बी सीन ईजली, जिसके द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं। और ये क्या करता है, जो फर्स्ट इमेज है आपका, इट हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ कार्निया, यानी कि जो इंटीरियर सरफेस है आपका वो मेजरमेंट क्या करता है, थिकनेस ऑफ कार्निया यानी कार्निया का थिकनेस मेजरमेंट करने में आसानी होती है। थिकनेस ऑफ कार्निया इसे जानते ही होंगे आप, पैचीमीटर से थिकनेस कार्निया की थिकनेस मेजरमेंट किया जाता है। द और देखिए आगे बताया गया है, द मेजरमेंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ इंटीरियर सर्फेस ऑफ कार्निया, यानी कि मेजरमेंट भी किया जाता है और किसका, कर्वेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, यानी इंटीरियर सरफेस का जो कार्निया है, इंटीरियर सरफेस वाला जो पार्ट है कार्निया का, उसका मेजरमेंट, उसके कर्वेचर को मेजरमेंट किया जाता है। और इसको किसके द्वारा देखा जाता है मेजरमेंट, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है कर्वेचर मेजर करने के लिए, क्रेटोमीटर के द्वारा होता है, क्रेटोमीटर के द्वारा इंटीरियर सरफेस कार्निया का कर्वेचर मेजर करते हैं। और इसमें बताया है आपका ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द फोर पुर्किंजे सैमसन इमेज, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पुर्किंजे सैमसन इमेज में। चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग डाल दीजिए पुर्किंजे सैमसन इमेज सेकेंड, इसमें नोट करिए आप, मेजरमेंट ऑफ फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द सब्सटेंस ऑफ कार्निया, दिस इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल डिमिनिश्ड इन साइज एंड आल्सो वेरी डीम, इमेज इज वेरी स्मॉल एंड समटाइम्स विजिबल, इट वेरी केयरफुल्ली, इट इज अनइम्पॉर्टेंट एंड यूजुअली नॉट यूज़ फॉर क्लिनिकल पर्पज़। देखिए इसमें क्या होता है आपका, सेकेंड में आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, यानी कार्निया की पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बताया गया। देखिए इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द सब्सटेंस ऑफ कार्निया, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कार्निया का सब्सटेंस है उसके थ्रू होता है, दिस इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल, यानी ये इमेज कैसा होता है आपका, इरेक्ट होता है वर्चुअल होता है डिमिनिश्ड इन साइज, यानी जैसा आप पुर्किंजे सैमसन इमेज फर्स्ट में देखे वैसा ही आपका सेकंड में भी है इन साइज, एंड आल्सो वेरी डीम इमेज इज वेरी स्मॉल, यानी इसमें आपका इमेज बहुत ही छोटा होता है, एंड समटाइम्स विजिबल, और समटाइम्स आपका क्या होता है, विजिबल होता है। देखिए और आगे, इट वेरी केयरफुल्ली, इट इज
अनइम्पॉर्टेंट एंड यूजुअली नॉट फॉर क्लिनिकल पर्पज़, ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है और ना ही ये किसी क्लिनिकल पर्पज़ में यूज होता है। यानी जब हम कोई क्लिनिकल पर्पज़ यूज करते हैं तो आपका पोस्टीरियर सरफेस कार्निया से कोई खास मतलब नहीं होता है, ये इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। थर्ड आप देख लीजिए क्या है, हेडिंग डाल दीजिए प्रोकेंजी सैमसन इमेज थर्ड। इसमें देखिए नियर टू द पीपुलर Another area image is seen. This is the formed on the anterior surface of the lens by refraction through aqueous and refraction to the cornea. Image is bright to the cornea, virtual, erect, diminished but large than Purkinje Samson first. It if help in measuring the कर्वेचर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, मेजरिंग ऑफ एंटीरियर चैम्बर डेप्थ। देखिए अब इसके बारे में आप पुरकेंजे सैमसन इमेज के बारे में, थर्ड के बारे में देखिए क्या है, नियर टू द प्यूपिलरी एंड अनदर एरिया इमेज, यानी कि प्यूपिल के पास और अनदर एरिया इमेज इस सीन, यानी पुरकेंजे सैमसन में आपका कौन सा है आता है, थर्ड वाले में आपका इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, यानी इंटीरियर सरफेस लेंस के बारे में बता रहा है। देखिए क्या होता है, इमेज इज सीन दिस इज फॉर्म्ड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, यानी ये इमेज कहाँ पे बनता है, इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, यानी जो इंटीरियर सरफेस होता है लेंस का उस पे बनता है, बाय रिफ्रैक्शन थ्रू एक्वस, यानी ये किसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, एक्वस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, एंड रिफ्रैक्शन टू द कार्निया, और रिफ्रैक्शन किसके द्वारा होता है, कार्निया के द्वारा होता है, यानी कार्निया और एक्वस के द्वारा रिफ्रैक्ट हो करके आपका लेंस पे पड़ती है, इमेज बनता है। इज ब्राइट टू द कार्निया, यानी कि कार्निया पे ब्राइट होता है और एक ऐसा दिखता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होती है, लेकिन आप ये क्या होता है, बट लार्ज देन पुरकेंजे सैमसन इमेज, लेकिन इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फर्स्ट और सेकेंड में सेम था, वर्चुअल और इरेक्ट था, डिमिनिश्ड साइज थी, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। देखिए और आगे फोर्थ नहीं आगे अब इसमें है, इट इफ हेल्प इन मेजरिंग द कर्वेचर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, यानी ये मेज़र करता है आपका इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, यानी कि ये मेजरमेंट किसका करता है, कर्वेचर, इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस का जो है कर्वेचर मेजर करने के लिए हेल्प करता है। मेजरिंग द इंटीरियर चैम्बर डेप्थ, यानी और ये मेज़र क्या करता है, इंटीरियर चैम्बर का डेप्थ मेज़र करता है, सैलो है या फिर डीप है उसके लिए मेज़र करता है। चलिए फोर्थ हम चलते हैं, पुरकेंजे फाइबर यानी पुरकेंजे सैमसन इमेज फोर्थ, इसके बारे में देखिए, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑन लेंस बाय रिफ्लैक्शन थ्रू द लेंस सब्सटेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कार्निया, इज इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड इन साइज एट लेस राइट, दिस इमेज इज यूज इन मेजरिंग द कर्वेचर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। देखिए इसमें क्या होता है आपका, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ये आपका पोस्टीरियर सरफेस आपका लेंस है उस पर बनता है, बाई रिफ्लैक्शन थ्रू द लेंस, यानी रिफ्रैक्शन जब होता है लेंस के द्वारा, यानी रिफ्रैक्ट होता है आपका लाइट जो है थ्रू द लेंस सब्सटेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कार्निया, यानी और रिफ्रैक्शन कार्निया के थ्रू होता है, एक ऐसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड इन साइज एट लेस राइट दिस इमेज, यानी कि ये आपका कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है और डिमिनिश साइज में होता है। लेस राइट दिस इमेज इज यूज इन मेजरिंग द कर्वेचर ऑफ पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ द लेंस, यानी इसमें मेज़र किसका किया जाता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, पोस्टीरियर सरफेस जो होता है लेंस का उसको मेज़र किया जाता है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा, फिगर देखिए, इसमें एक आपका फर्स्ट वाला सैमसन इमेज देख लीजिए और थर्ड वाला भी देख लीजिए, थर्ड में आपका बड़ा थोड़ा सा बनता है लेकिन फोर्थ में आपका उल्टा बनता है, सेम साइज का होता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक पुरकेंजे सैमसन इमेज के बारे में, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स के बारे में जो आपके मीडिया थे। चलिए आज का इतना ही, थैंक यू।